सबसे पहले ये जानना चाहेंगे बिग बॉस 16 आप कितना फॉलो कर रही है और किसका गेम सबसे ज्यादा पसंद है? Hi, and I am watching Bigg Boss aise regularly, obviously, because I have my best friend inside, Priyanka. And of course, मुझे सबसे ज़्यादा game भी होने का पसंद आ रहा है क्योंकि I think she is the most realist contestant in the show right now. And वो जैसी बाहर है वो वैसी अंदर है, क्योंकि मैं उन्हें पर्सनली जानती हूँ तो मैं ये बोल सकती हूँ कि वो जेन्युइनली जैसी बाहर है वो वैसे ही अंदर खेल रही हैं. और या उनकी ही गेम मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है अभी तक. तो आई थिंक मतलब ख़राब तो बहुत कुछ लगता है जब उन्हें ऐसे अननेसेसरली लोगों के वजह से बैश करते हैं, अननेसेसरली उनसे फाइट पिकअप्स होती हैं लोगों की फॉर नो रीज़न एट ऑल, उनको भरा बुला बोला जाता है तो अच्छा नहीं लगता है. एंड ट्विस्ट एंड टर्न्स आई थिंक सी पीपल आर फॉरगेटिंग कि इस बारी बिग बॉस खुद खेल रहे हैं तो वो ट्विस्ट एंड टर्न्स तो आएंगे ही आएंगे क्योंकि उन्हें भी गेम चलानी है, उन्हें भी एक शो चलाना है. तो इट्स फन टू वॉच द ट्विस्ट एंड टर्न्स एंड उसी की वजह से आई थिंक एक इंटरेस्ट बना रहता है एक व्यूअर का कि हाँ इसकी उसी की वजह से एक व्यूअर देखता है कि हाँ अब क्या होने वाला है और अब क्या होगा. तो बहुत फन है, इट्स गुड टू वॉच इट. बट हाँ कई बार बहुत बुरा लगता है जब स्पेसिफिकली प्रियंका के लिए कि उन्हें अननेसेसरली बैश किया जाता है एंड हम एज वी आर नॉट इनसाइड एंड शी हैज़ ओनली वन पर्सन दैट हु एक्चुअली केयर्स फॉर हर इज अंकित भाई. तो कहीं ना कहीं बहुत बुरा लगता है कि यू नो आई एम नॉट देयर टू हग हर एंड यू नो टेल हर दैट एवरीथिंग इज़ ऑल राइट. तो बट इट्स फन टू वॉच इट बिकॉज़ शी इज़ अ वॉरियर एंड शी इज़ गोना कम आउट फाइटिंग एंड विनिंग. कौन से ऐसे लोग हैं जो हमेशा लाइक उनकी हर कोई उनका मुद्दा ऐसे उठा के बैठे रहते हैं, कुछ आप स्पेसिफाई करना चाहेंगे इस बारे में? निमृत, टीना एंड निमृत और टीना तो खासकर, और आई थिंक शिव कभी कभी, बट निमृत एंड टीना अ लॉट. तो कहीं ना कहीं आपका कहना ये है कि निमृत प्रियंका का एक नाम लेके आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, ऐसा कुछ है? निमृत की गेम शुरू होती है प्रियंका से, उनकी गेम खत्म होती है प्रियंका पे. लाइक शी हैज बीन आफ्टर हर फ्रॉम डे वन एंड वो उनकी पर्सनल लाइफ पे इतने कॉमेंट्स करती हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ. वो उन्हें जानती भी नहीं थी पहले से एंड दे ओनली मेट ट्वाइस, बट वो उनके बारे में अभी तक भी बोलती रहती हैं. मतलब उनको जब उनके ऊपर बात आती है तो शी गेट्स वेरी यू नो वो एकदम से कि मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया. बट जब वो सेम बात वो किसी को बुली करती हैं तो वो उनको समझ में नहीं आता कि अगर आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो सकती है तो किसी और की भी हो सकती है. तो प्लीज़ लुक आफ्टर दैट एंड निमृत तो आई डोंट थिंक शी हैज़ अ गेम इफ प्रियंका इज़ नॉट देयर. सो या साथ ही हाल ही में हमने देखा था कि प्रियंका और अंकित कहीं ना कहीं अलग होते हुए दिख रहे थे, जिस तरीके से लाइक सलमान सर भी बार बार प्रियंका को समझा रहे थे कि प्रियंका तुम जो बोलो वो नहीं चलता है, लेकिन प्रियंका नहीं समझ रही थी, एक इरिटेशन आ गई थी उनमें भी और अंकित भी एक अलग ही मोड में चले गए थे. क्या कहना चाहोगे? आप तो अच्छी फ्रेंड हो प्रियंका. आई थिंक सी द हाउस इज़ अ मैड हाउस टू बी वेरी ऑनेस्ट. मतलब आप दो ढाई महीने हो चुके हैं, इट्स बिन 11-12 वीक्स राइट. तो आप इरिटेट हो जाओगे जब आप इतना ज़्यादा किसी के साथ रहने लग जाओगे. तो आप ज़रूरी नहीं है आप उसी की वजह से इरिटेट हो, सामने वाले इंसान की वजह से. यू गेट इरिटेटेड बाय द थिंग्स जो लोग बोलते हैं आजू बाजू के. तो उस वजह से भी अगर उनके बीच में आई थिंक वो उनका बॉन्ड ही ऐसा, अगर वो लड़ भी लेंगे ना वो एक दूसरे का साथ तब भी देंगे. तो ऐसा नहीं है कि वो अलग हो जाएंगे या उनकी दोस्ती ख़त्म हो जाएगी, जो कि उनको खुद भी बोल चुके हैं कि हमारी दोस्ती कोई ख़त्म नहीं करवा सकता. किसी के कहने पे दोस्ती चालू नहीं थी, किसी के कहने पे ख़त्म नहीं होगी. तो आई थिंक वो अलग तो नहीं हो सकते, बट हाँ दे आर प्लेइंग इंडिविजुअली एंड दिस इज़ कमिंग आउट रियली वेल फॉर बोथ ऑफ देम. तो काफ़ी अच्छा तो लग रहा है मुझे उनको इंडिविजुअल प्ले करते हुए देखते हुए भी. एंड वो साथ में तो वैसे भी है ही हैं, इट डजंट मैटर जो भी कोई भी बोलता रहे. बाकी कंटेस्टेंट्स का कहना ये भी था कि कहीं ना कहीं प्रियंका की वजह से अंकित अकेले अपना गेम नहीं खेल पा रहे, वो खुल के नहीं आ रहे हैं. आपको भी ऐसा लगता है? नो, आई थिंक जब उनको बोला जाता है कि प्रियंका की वजह से अंकित किसी और से बात नहीं करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है. वो अंकित भाई का नेचर ही ऐसा है, वो ज़्यादा जल्दी किसी से खुलते भी नहीं हैं. बट इफ़ यू सीन फ्रॉम पास्ट कपल ऑफ वीक्स, ही इज बीन फ्रेंड्स विद साजिद सर, उन्होंने उनको सेव भी किया एंड मतलब वो उन्हें अपफ्रंटली कई चीज़ों पर बोल भी देते हैं साजिद जी को कि यार जब एक
राशन का टास्क हुआ था जिसपे साजिद जी और अर्चना की फाइट भी हुई थी, तो आई थिंक आई रिमेम्बर दैट कि अंकित भाई ने बाहर आके बोला था कि नहीं उसको लग गई थी, वो गलत था, आपको नहीं करना चाहिए था. एंड आई थिंक दैट इज़ वॉट अ रियल फ्रेंड डज, कि जब आप गलत हो तो आप आके बोलो, अनलाइक द मंडली जो एक दूसरे को कभी गलत बोलती नहीं है और हाँ में हाँ मिलाती रहती है और फिर पीठ पीछे तो बातें करती हैं, तो वो ना अपने सगे हैं ना अपनों के सगे हैं. तो हाँ आई थिंक वो ऐसा नहीं है कि वो उनकी वजह से वो किसी और से बात नहीं करते, वो अंकित भाई का नेचर ही ऐसा है कि वो ज़्यादा बात नहीं करते हैं इतनी जल्दी, तो वो धीरे धीरे करके खुल रहे हैं एंड आई थिंक पीपल आर लाइकिंग इट. और उनका स्वभाव ही आई थिंक शांत सा है, वो बहुत कामली हैंडल करते हैं चीज़ों को, तो ऐसा नहीं है कि वो प्रियंका की वजह से ऐसे हैं या कुछ है. इट्स जस्ट दैट्स हिज नेचर एंड पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि ऐसे लोग भी होते हैं. साथ ही जैसे हम देखते थे कि प्रियंका हमेशा से शालिन को पसंद नहीं करती थी, उनका पसंद इतना भी नहीं था एज अ फ्रेंड भी, लेकिन जब टीना की बाहर जाने की बात आई तो कहीं ना कहीं प्रियंका बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप जोन में लाइक क्लोज लग रही थी, उनके फ्रेंड्स भी इससे बहुत ज़्यादा लाइक एकदम अलग ही उनका अभी कहना चाहोगे आप लाइक प्रियंका क्या जलबंधु है, ऐसे बहुत सारे कमेंट्स में भी हमने पढ़े कि प्रियंका कभी यहाँ भी जा रही है कहीं वहाँ भी जा रही है. अगर ये बात है तो उनके और निमृत की तो बिल्कुल नहीं बनती. फिर जब निमृत को एक पैनिक अटैक आया था तो व्हाई डिड शी गो एंड गेट वाटर फॉर हर, एंड आई थिंक अगर यही चीज़ प्रियंका के साथ हुई होती तो निमृत तो कभी भी नहीं आती. तो फॉर मी आई थिंक आई बिलीव कि प्रियंका का नेचर ही ऐसा है, वो ग्रजेस अपने दिल में नहीं रखती हैं. इनफैक्ट अर्चना ने उन्हें कितनी बारी कितनी दफ़ा कितना कुछ बोला है, बट एट द एंड ऑफ द डे वो उन्हें अपना दोस्त मानती हैं दिल से, तो वो कहीं ना कहीं वो ऐसी ही हैं. उन्हें कोई लगता है कि किसी को हेल्प चाहिए, किसी को यू नो समबडी इज़ नॉट फीलिंग गुड, वो नॉर्मली एज ए ह्यूमन बीइंग आई थिंक वो एक इंसानियत के नाते चली जाती हैं. इनफैक्ट आई रिमेंबर जब स्टैन वॉज फीलिंग लो एंड स्टफ तो वो तब भी उनके पास गई थी. इनफैक्ट स्टैन उनसे खुद खुल के बात भी कर रहे थे कि हाँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है और ये सब, एंड देन वीकेंड का वार पे वो ऐसे पलट गए जैसे पता नहीं क्या ही हो गया हो. तो एंड वो चीज़ बहुत झूठी है, वो उनको झूठा दिखाने की कोशिश है कि प्रियंका झूठ बोल रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है. वो एक इंसानियत के नाते अगर किसी के साथ खड़ी हैं इसका, और वो सही का साथ देती हैं, ऐसा तो आई हैव सीन इट एंड आई नो हर पर्सनली सो आई कैन से इट, कि वो चाहे वो आपकी दोस्त है नहीं है बट वो अगर उनका दोस्त भी गलत होगा ना, वो उसको साफ साफ बोलेंगी कि आप गलत हैं एंड दिस पर्सन इज़ राइट. तो वो आई थिंक उनका नेचर ही ऐसा है कि ऐसा नहीं है वो दल बदलू है कुछ है, वो एक इंसानियत, अगर आप में ह्यूमैनिटी नहीं है तो आप एक अच्छे इंसान नहीं हो, जो कि मुझे काफ़ी लोगों में लगता है इन द हाउस कि वो इंसानियत ख़त्म हो गई है. तो आई थिंक इट्स नॉट बिकॉज शी इज़ दल बदलू, इट्स बिकॉज कि वो एक अच्छी इंसान है, तो उन्हें दल बदलू तो नहीं मैं समझती बिल्कुल भी. अब जब बिग बॉस के घर में जब जिस तरीके से ग्रुप्स दिख रहे हैं, जो साजिद खान ग्रुप है और साथ ही प्रियंका जो एक अपने फ्रेंड्स के साथ रहती, क्या लगता है आपको प्रियंका को किसके साथ रहना चाहिए जो उनका आखिरी तक साथ देंगे? सी एवरीबडी इज़ प्लेइंग अ गेम, ठीक है, कोई किसी का साथ नहीं देता है एट द एंड ऑफ द डे. आप अगर आप टॉप टू में दो बेस्ट फ्रेंड्स को भी डालोगे तो दूसरा चाहेगा कि मैं ही जीतूँ, तो क्योंकि सब जीतने ही आया ना, सब अपने अपनी गेम खेलने आए हैं. अगर कोई उनके साथ रहेगा वो है अंकित भाई एंड तक, मुझे लगता है, क्योंकि वही है एक, वही उनका एक ही रियल इन द हाउस, इज ओनली वन रियल बॉन्ड एंड दैट इज़ अंकित भाई एंड प्रियंकास. तो आई थिंक ऐसा तो और कोई भी नहीं है कि जो एंड तक उनके साथ रहेगा एक्सेप्ट फॉर अंकित भाई. सो यहाँ अगर आपको बिग बॉस के घर में जाने का मौका मिलता है, आप प्रियंका को ऐसी कौन सी चीज़ें बताना चाहोगे जो अब तक प्रियंका नहीं देख पा रही है और उनको अलर्ट करना चाहोगे कि प्लीज़ प्रियंका अपना गेम खेलो? आई थिंक अब उन्हें काफ़ी हद तक पता लग चुके हैं काफ़ी बातें. अर्लियर उन्हें पता नहीं था कि निमृत उनके बारे में क्या क्या बोल चुकी हैं और क्या क्या बोलती हैं अभी भी. जैसे कि उन आई डोंट अंडरस्टैंड निमृत का प्रॉब्लम क्या है, एंड निमृत हाल ही में भी इतना कुछ बोलती रहती हैं, हंसती रहती हैं उनके ऊपर. जब अर्चना और प्रियंका की फ़ाइट भी हो रही थी तो वो साइड में बैठ के प्रियंका के खिल्ली उड़ा रहे थे, एंड दैट इज़ नॉट नाइस. आई जस्ट डोंट फाइंड इट, यू नो आई डोंट फाइंड इट एज अ स्पोर्ट्समैनशिप या एक अच्छे प्लेयर की निशानी. वो बहुत ही इनसिक्योर नज़र आती हैं, तो मुझे बस वही उन्हें बताना है कि इट्स बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम हर एंड आई थिंक शी इज़ एनी वे डूइंग दैट. आई थिंक आई वुड नॉट लाइक टू टेल हर एनी थिंग एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट शी इज़ डूइंग ग्रेट. वो बहुत अच्छा कर रही हैं, वो ऐसे ही खेलती रहेंगी तो वो ज़रूर जीत जाएंगी, जो मैं बिलीव करती हूँ, क्योंकि आई सी हर एज द विनर. सो या हाल ही में अर्चना और प्रियंका की भी कुछ फाइट्स हुई थी अब तक, तो लेके क्या कहना चाहोगे कि अर्चना का एक लाइक
आई एम सो सॉरी आई कैन नॉट रिकॉल द फाइट बिकॉज ऑफ अब्दू बट आई नो दे हैव बीन फाइटिंग अ लॉट एंड मतलब हो जाती है यार दोस्त है लड़ाई हो जाती है इट्स ऑल राइट एंड बट अर्चना का प्रॉब्लम ये है कि वो ना उनकी ज़ुबान बहुत ही ख़राब है एंड वो कभी कभी बहुत एक्स्ट्रा ओवर बोल जाती है जिससे सामने वाले को बहुत हर्ट हो सकता है क्योंकि प्रियंका वॉज ऐसे विजिबली वेरी हर्ट बिकॉज ऑफ वॉट शी सेड एंड वॉट शी डज एट टाइम्स क्योंकि वो अपना दिल से उन्हें दोस्त मानती हैं तो आई थिंक आई वुड लाइक टू टॉक टू अर्चना एक्सेप्ट फॉर एंड इंस्टेड ऑफ प्रियंका एंड टेल हर दैट प्लीज़ आप ऐसा मत सोचो कि कोई आपसे प्यार नहीं करता कोई आपसे सच में प्यार कर सकता है एक साफ दिल से कि हाँ तू मेरी दोस्त है आपको सच में दोस्त मान सकता है तो आप इतना मत गिर जाओ कि वो दोस्त आपको छोड़ के चला जाए तो या आई थिंक उनका बॉन्ड अपना बॉन्ड है उनकी इक्वेशन अपनी इक्वेशन है क्योंकि मुझे लगता है कि वो उन्हें पता है कि वो दिल की साफ हैं बट वो गेम खेल रही हैं और अर्चना ने बहुत क्लियरली बहुत टाइम से बोल दिया था कि मैं किसी की दोस्त नहीं हूँ मैं अपना खेलने आई हूँ मुझे अगर कल को अपने बेस्ट फ्रेंड को भी नॉमिनेट करना पड़ेगा तो मैं कर दूंगी तो इट्स फाइन वेल अगर आपसे अगर पूछा जाए कि टॉप फाइव में अब तक का जो गेम चल रहा है कौन वो कंटेस्टेंट हो सकता है ओके माई फेवरेट इज़ प्रियंका शी इज़ नंबर वन फॉर मी आई थिंक उससे बेटर गेम किसी का भी नहीं है अभी तक शिव यस अगर वो अभी जो जिस शैडो में वो चले गए हैं उससे बाहर आ जाए तो ऑफ कोर्स न्यू एडिशन इज़ अंकित भाई आई मीन आई जस्ट लव हिज गेम राइट नाउ इट्स गोइंग सो वेल फ्रॉम द पास्ट कपल ऑफ वीक्स मुझे स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि यू नो ही इज़ नॉट मेड फॉर सच अ शो मतलब उनके साथ इट जस्ट डिडंट फील लाइक कि ये शो उनके लिए है बट राइट नाउ इट्स गोइंग रियली वेल उनकी गेम बहुत अच्छी हो गई है यू नो ही इज़ प्लेइंग फॉर हिमसेल्फ ही इज़ प्लेइंग फॉर हिज फ्रेंड्स ही इज़ फाइटिंग फॉर एवरीथिंग मतलब वो अपनी जगह के लिए लड़ रहे हैं कि मैं इस गेम में रहना चाहता हूँ जो अब बहुत ही खुल के दिख रहा है तो या थर्ड नंबर पर वो आई थिंक फोर्थ पे आई सी शालीन एंड साजू जी मिलता है तो वेल एंड गुड आई मीन व्हाट एल्स मतलब निकलते ही काम मिल जाए और क्या चाहिए सबको काम ही करना है बिकॉज़ आई हैव सीन हर टॉकिंग अबाउट गेटिंग वर्क आल्सो इन द शो कि मुझे बाहर काम चाहिए एंड यू नो आई हैव टू वर्क इसके बाद भी तो अच्छी चीज़ है मिलेगा तो बहुत बढ़िया है हम तो खुशी हैं प्रियंका की खुशी में मैं खुश नहीं हूँ ऐसा हो ही नहीं सकता तो अगर मिलता है तो वेल एंड गुड बट अभी तक हमें तो ऐसा नहीं पता कि मिल रहा है सो हमने अब तक बहुत से लोगों से बात की है कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने कहा है कि घर से निकलने के बाद मैं इसके साथ इंटरेक्शन नहीं रखूंगी या उसके साथ नहीं रहूंगी अगर एज अ फ्रेंड अगर आपसे अगर प्रियंका पूछती है कि क्या लगता है मुझे किसके साथ ज़्यादा बातचीत रखनी चाहिए नहीं रखनी चाहिए Who are the devils? Honestly, I would tell her to not. I mean, it's just one person that I really don't like, and it's just Nimrit. क्योंकि मुझे नहीं समझ में आता उनकी जो अंदर की नफरत है for Priyanka when she said over my dead body sir, या you know मतलब I just don't understand. मुझे वो बिहेवियर ही नहीं समझ में आता वो कहाँ से आ रहा है क्यों आ रहा है सो आई वुड रियली सजेस्ट हर टू नॉट बी फ्रेंड्स विद हर दैट्स ऑल एंड उसके अलावा वो उनका खुद का डिसीजन है कि वो किससे दोस्ती रखते हैं किससे नहीं ये मेरे कहने पे या किसी और के कहने पे नहीं होगा तो हाँ एज अ फ्रेंड इफ़ आई वुड हैव टू से इट्स निमृत एंड आई थिंक टीना नो आई डू नॉट सी एनी चेंज इन दैट गर्ल वो जैसी बाहर हैं वो वैसे ही अंदर भी हैं वो ऐसे ही खुले दिल से अपने लोगों के लिए खड़ी रहती है हमेशा एंड आई थिंक दैट इज़ वॉट मेक्स हर डिफरेंट फ्रॉम एवरीबडी एल्स क्योंकि आई हैवन सीन एनी रियल कंटेस्टेंट इतना ज़्यादा रियल क्योंकि आई थिंक मैं उन्हें पर्सनली भी जानती हूँ शायद इस वजह से भी मैं बोल सकती हूँ कि वो जैसी बाहर हैं वो वैसी ही अंदर भी हैं एंड मुझे उनमें कोई चेंज नहीं दिखता है हाँ कई बार थोड़ा ऐसे अनोइंग हो जाता है यू नो जब उनको बार बार बोला जाता है या यू नो शी टर्न मुझे एक पॉइंट पे लगा था कि यू नो जब स्टार्टिंग में बिग बॉस ने उन्हें बुलाया था एंड बोला था कि आप हर किसी के मुद्दे में क्यों बोलती हैं एंड वैसे एकदम से शांत होकर बैठ गए एंड आई एम लाइक नहीं मत हो
डिड यू जस्ट फॉरगेट कि बिग बॉस भी खेल रहे हैं? एंड आई वाज लाइक नहीं 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 दिस इज नॉट व्हाट आई वांट. एंड देन व्हेन शी केम आउट एंड देन शी जस्ट टर्न आउट टू बी नॉर्मल, शी वाज लाइक कि हाँ जो भी है वो तो बोलेगी बोलेगी, चाहे जो मर्जी उसके कोई भी कुछ बोलता रहे. तो आई थिंक दैट इज वॉट शी इज. तो चेंज तो मुझे कोई भी नज़र नहीं आता, वो वैसी ही है जैसी बाहर थी. तो या यस ऑफकोर्स, क्योंकि वही है. इस उसके अलावा क्वीन तो मुझे कोई और दिखती भी नहीं है कि कोई और क्वीन हो सकती है. या इफ इट इन टर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट आई वुड लाइक टू से अर्चना, बट किंग आई थिंक इज अंकित भाई एज ऑफ नाउ, क्योंकि बहुत ही मस्त मेरे को कैप्टनसी टास्क में उनका जो उन्होंने अपने लिए स्टैंड लिया, उन्होंने प्रियंका के लिए स्टैंड लिया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा. क्योंकि आई हैव नॉट सीन हिम लाइक दैट बिफोर इन द शो ऑल्सो, कि वो ऐसे एकदम ही किस प्रियंका वॉजेंट देयर एंड ही वॉज फाइटिंग फॉर हिज ओन सेल्फ कि मुझे जाना है 5 नंबर पे, मैं जाऊँगा. तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी. तो मेरे लिए किंग अभी तो वही खेल रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों में मुझे उनका गेम बहुत पसंद आया है. ऐसे ही प्यार करते रहो, बहुत अच्छा लगता है. थैंक यू सो मच, हम आपको इक्वली प्यार करते हैं. एज हर फ्रेंड आई एम टेलिंग यू वी आर वेरी ग्रेटफुल एंड या दैट्स ऑल. Thank you.